कहा गाय की सेवा के लिए मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट को बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अशोकनगर में गोकुल समाज सेवा संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश में निरंतर हो रही गौ तस्करी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। संस्थान के संस्थापक राहुल शर्मा का आरोप है कि प्रतिदिन गोवंश से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई न होने के कारण गौ तस्करों के मंसूबों को बढ़ावा मिल रहा है, लगातार गौ वध के लिए गौ तस्करी कर रहे हैं। राहुल शर्मा ने मांग की है कि गौ तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए गौ तस्करों को फांसी की सजा का कानून बनाया जाए, जिससे गौवंश को बचाया जा सके। सरकार में निरंतर गौ तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं और जो गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई ना होना ही गौ तस्करों को मंसूबों को बढ़ावा दे रहा है। आज हमने सरकार से मांग की है कि गौ तस्करों को फांसी की सजा हो और उनके भानुओं को रास्ता किया जाए और जो उनके भान मालिक हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सके, जिससे मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर रोक लग सके। सरकार निरंतर कह रही है कि हम गौ कैबिनेट गठित कर रहे हैं, परंतु जब गौवंश रहेगा ही नहीं तो गौ कैबिनेट क्या कार्य करेगा। इसलिए आज हम सरकार से निवेदन करने आए हैं कि सरकार निरंतर हो रही गौवंश की हत्या पर रोक लगाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।